कोरोना के बाद पैरों का दर्द नहीं जा रहा है, पैरों में अक्सर स्वेलिंग हो जाती है, ज्यादा देर बैठे रहने से, दिन में बैठ के काम करने से, डेस्कटॉप पे काम करने से, कंप्यूटर पे काम करने से पैरों में स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, शाम तक पैर बिल्कुल पत्थर बन जाते हैं, मन करता है कि कोई या तो उनको दबा दे या मैं टांग ऊंची करके लेट जाऊं। ये बहुत कॉमन सिम्टम है और ये यूजुअली खून का सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाने की वजह से होता है। खून का सर्कुलेशन जो हार्ट से होके पैरों में जाता है और पैरों से वापस इसको हार्ट में आना होता है, अगर ये सर्कुलेशन स्लो हो जाए या पूरी तरह से ना खून पहुंच पाए तो वो खून पैरों में रुक जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। ज्यादा देर बैठे रहने से, पैर नीचे लटका के काम करने से या खड़े रह के काम करने से स्वेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो खून पैरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर खून में क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी, ये एक्चुअली एक फंक्शन है खून का कि जब तक वो खून चलता रहता है तब तक वो लिक्विड रहता है, जहां वो रुक जाता है या कहीं पूलिंग हो जाती है तो वहां पर क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पैरों को चलाते रहें और बैठते समय, लेटते समय अगर हम कोशिश करके अपने पैरों को थोड़ा एलिवेट कर दें 2-3 तकियों के ऊपर, वो भी काम करता है। अगर हमारे पैरों में छोटी छोटी नसें फूलनी शुरू हो गई है, अगर हमें दिखता है कि पैर नीली नीली नसें एक स्पाइडर की तरह से छोटी छोटी नसें शुरू हो गई, या हमारे पैरों में नसें थी जिनकी तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अब वो नसें बड़ी हो रही हैं, वो ज्यादा फूल रही हैं, ज्यादा बड़ी हो रही हैं, उनमें हैवीनेस वगैरह हो रही है, पैरों में सुनपना आ रहा है, तो ये वैरिकोज वेन्स की शिकायत है। इसके लिए तुरंत आपको अपने वैस्कुलर सर्जन से मिलना चाहिए। आपको अपने पैर की नसों का एक वेन्स का डॉपलर टेस्ट, कलर फ्लो डॉपलर टेस्ट जो होता है, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, वो कराना चाहिए। उससे पता लगेगा कि ये वैरिकोज वेन्स क्यों हो रही है और इसके अब परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। वैरिकोज वेन्स फुली ट्रीटेबल चीज है, फुली ट्रीटेबल बीमारी है और इसका परमानेंट सोल्यूशन भी है। तो अपना इलाज जरूर कराएं। अगर पैरों में स्वेलिंग है, वैरिकोज वेन्स है, नसें फूल रही हैं, नसों में पेन हो रहा है, पैर भारी हो रहे हैं, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, तो आप वैस्कुलर सर्जन से मिलिए, क्योंकि वैरिकोज वेन्स बहुत तकलीफ दे सकती है, नसों में क्लॉटिंग हो सकती है, नसें फट सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और वहां जख्म बन सकते हैं। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सही टाइम पे अगर वैरिकोज वेन्स का इलाज हो जाए तो ये स्वेलिंग और वैरिकोज वेन्स को हम ट्रीट कर सकते हैं।